लोगों का काम है कहना। दोस्तों, किसी नगर में एक चित्रकार रहा करता था। वह बहुत ही बढ़िया और सुंदर सुंदर चित्र बनाया करता था। उसकी ख्यात दूर दूर तक फैलने लगी और वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। दिन बीतता रहा और दिन ब दिन वह और सुंदर चित्र बनाता रहा। उसके चित्र अब दूर देश में भी पसंद किए जाने लगे थे और वह बहुत खुश रहता था। एक दिन चित्रकार जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो वह सोचने लगा, क्यों न अपने चित्र को लोगों के बीच में लेकर जाऊं और अपने चित्र की कमियों के बारे में लोगों से पूछूं, जिससे कि उन कमियों को दूर करके और भी सुंदर चित्र बना सकूं। यही सोचते हुए वह सो गया। अगली सुबह जब उठा तो अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर नाश्ता किया और एक सबसे सुंदर चित्र लेकर बाजार चला गया और दिन भर बाजार में घूम घूम कर लोगों से चित्र के बारे में, चित्र की कमियों पर टिक लगाने को कहता रहा। लोग चित्र को देखते और कोई न कोई कमी निकाल कर उस पर टिक लगा देते। ऐसा करते करते शाम तक पूरा चित्र टिक मार्क से भर गया और अब उसमें चित्रकार का बनाया गया चित्र भी नज़र नहीं आ रहा था। यह देखकर चित्रकार के मन में बहुत ही दुख हुआ और वह घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह जब वह सोकर उठा और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब नाश्ता करने के लिए बैठा, तब उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना आज कोई अधूरा चित्र लेकर बाजार जाऊं और लोगों से कहूं कि वह इस चित्र को पूरा और सुंदर बना दें। यह सोचते हुए वह अपना नाश्ता ख़त्म किया और वह जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने साथ में एक अधूरा चित्र लेकर बाजार को चल दिया। बाजार में पहुंचकर एक चौराहे पर अपने चित्र को लगा दिया और लोगों से कहने लगा, वह इस चित्र को पूरा कर दें। लोगों से कहते कहते उसे शाम होने आई, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस चित्रकार के अधूरे चित्र को पूरा करता। चित्रकार को अब लोगों की असलियत समझ में आ चुकी थी और वह फिर से प्रसन्न हो गया था। फिर वह बाजार के एक सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में जाकर चाय पी और सोचने लगा, आप कितना भी अच्छा काम करो लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। यह सोचते हुए उसने अपनी चाय खत्म की और अपने घर वापस आ गया और वह अब एक नए चित्र पर प्रसन्नतापूर्वक काम करने लगा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वह सही है तो आप उस काम को दुनिया की परवाह किए बिना उसे पूरी सच्चाई और लगन के साथ करते रहें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।